हेलो दोस्तों, तो मैं अंशुमान स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक जो बेसिक क्वेश्चन होता है सभी स्टूडेंट्स के मन में, ठीक है, जो जो पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं या रिसर्च में आगे कुछ करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके मन में ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन ज़रूर रहता है कि CSIR नेट और गेट में डिफरेंस क्या है या सिमिलरिटी क्या है, दोनों में कौन सा देंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आज ये जो वीडियो है वो उसी पे पूरा बेस्ड होने वाला है कि सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं और डिफरेंसेस क्या क्या हैं और कौन सा एग्ज़ाम देने में किस एरिया में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है भाई साहब, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो CSIR नेट सबको पता है, ठीक है, कि ये जो है नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका पहले से ही पता है आपको। ठीक है, तो इसके ये तो सब जानते हैं, मतलब बच्चा बच्चा गांव में आप जाओगे वहाँ पे भी लोग जानते हैं कि JRF क्वालिफाई हो गए हैं, JRF क्वालिफाई हो गए हैं, ऐसा करके। ठीक है ना, तो CSIR नेट भैया एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है ना, टीचर्स के लिए। ठीक, अगर आप ये क्वालिफाई करते हो तो आप किसी भी कॉलेज में जाके आप क्या कर सकते हो, आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, आप एलिजिबल हो पढ़ाने के लिए। जैसे आप ये कहते हो कि आप ग्रेजुएशन करते हो उसके बाद आप BEd करते हो, ठीक है ना, तो BEd जैसे आपका एक ग्रेजुएशन के बाद होता है, वैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आप CSIR नेट निकाल लेते हो तो आप कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप क्वालिफाई कर लेते हो। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका नाम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ आपके पास है गेट, ठीक है ना, तो ये बेसिकली ये इंजीनियरिंग के लिए बना था। ठीक है ना, तो ये ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, ऐसा करके ये होता है ये टेस्ट। तो ये बेसिकली इंजीनियर्स के लिए बना था, इंजीनियरिंग के लिए, मतलब बीटेक एमटेक के लिए बना था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स या फिजिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई करते हैं, केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई करते हैं, तो वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है ना, अभी सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ऐसा है कि भैया दो कैटेगरी में सिमिलरिटी को मैं डिवाइड करूँगा। पहली सिमिलरिटी ऐसी कि उनका सिलेबस वगैरह के बारे में सिमिलरिटी, दूसरी सिमिलरिटी कि अगर मैं गेट या CSIR नेट निकाल के जाता हूँ तो क्या सिमिलर चीज़ें मुझे मिलेंगी किसी भी इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो CSIR नेट और गेट का जो सिलेबस है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से लगभग सेम है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने जितनी भी एनालिसिस की है उसमें दोनों का जो सिलेबस है वो सेम है, लेकिन जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो डिफरेंट है। वो मैं नेक्स्ट अभी कुछ देर में आपको बताऊंगा कि कैसे एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। ठीक है, दूसरी जो सिमिलरिटी मैंने बताया कि अगर आप अगर आप CSIR नेट क्वालिफाई करते हो या गेट क्वालिफाई करते हो आफ्टर PG, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन अपना, तो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में जब आपको एडमिशन मिलेगा, अगर मान लीजिए मिल जाता है, गेट से मिलता है या CSIR नेट से मिलता है, अगर आपको CSIR नेट से एडमिशन मिलेगा तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी रिसर्च करने के लिए। अगर आप गेट से जाते हो तो आपको वो जो इंस्टीट्यूट जो आपको एडमिशन दिया है वो आपको फंड करेगा वहाँ पे रिसर्च करने के लिए। बेसिक अगर मायनों में मैं डिफरेंस देखना चाहूँ तो एक डिफरेंस ये भी आता है दोनों में कि ये जो CSIR नेट का एग्ज़ाम है ये रिसर्च बेस्ड है और ये जो है ये जॉब ओरिएंटेड है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा एक डिफरेंस आता है इन दोनों में। ठीक भाई साहब, अब बात करते हैं कि अगर मैं CSIR नेट की तैयारी कर रहा हूँ या मैं गेट की तैयारी कर रहा हूँ तो क्या क्या चीज़ें मुझे, क्योंकि मैं पैटर्न के हिसाब से ही आप तैयारी करते हो। ठीक है, तो क्या होता है पैटर्न में बता देता हूँ। CSIR नेट का जो पैटर्न है उसमें आपके पास 75 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, इसमें कितने आएंगे, 75 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें, ठीक है ना, इनमें 75 क्वेश्चन में तीन पार्ट होते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ठीक है ना, और इन 75 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 55 करने होते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको पता है ना ग्रेजुएशन वगैरह में एग्ज़ाम देते हो तो लिखा रहता है ये क्वेश्चन करें और ये क्वेश्चन करें, तो इसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाता है। CSIR नेट की बात कर रहा हूँ, तो ए पार्ट आपका होता है पूरा पूरा रीजनिंग का, रीजनिंग आपकी इसमें कवर होती है ए पार्ट में। ए पार्ट अगर आपको करना है तो आपको रीजनिंग आनी चाहिए, और रीजनिंग वो भी बेसिक लेवल की रीजनिंग होगी, जैसे जैसे 9th, 10th, 11th, 12th की क्वेश्चंस कुछ ऐसे। ठीक है, उसमें इंग्लिश वगैरह ये सब नहीं होगा, बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है,
बी पार्ट जो होगा वो पूरा आपके सब्जेक्ट बेस्ड होगा, और सी पार्ट जो होगा ये भी सब्जेक्ट बेस्ड होगा। ए पार्ट में आपके पास 20 क्वेश्चन आते हैं और आपको 15 करने रहते हैं, बी पार्ट में आपके पास आते हैं भैया 30 क्वेश्चन और इसमें से आपको 20 करने होते हैं, ठीक है ना। 20 से ज़्यादा अगर आप करोगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक। और इसके बाद बचा 25 क्वेश्चन, 25 में से आपको यहाँ पे करने होते हैं 20 क्वेश्चन। तो ए पार्ट जो होता है इसमें आपका 2 मार्क्स मिलता है एक क्वेश्चन करने पे, ठीक है भाई। और इसमें 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है सब में, ठीक है। जो बी पार्ट होता है ये 3.5 मार्क्स का होता है ईच क्वेश्चन, और ये जो सी पार्ट होता है ये 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आपका कुछ CSI या नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, ठीक है। वहीं अगर मैं गेट की बात करूं तो गेट में भैया 65 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 65 में से 10 क्वेश्चंस जो है वो रीजनिंग के आते हैं, और रीजनिंग में ऐसा होगा कि वो इंग्लिश के क्वेश्चन भी हो सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड लेवल रीजनिंग भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस 10 क्वेश्चन में स्टैंडर्ड लेवल रीजनिंग भी हो सकती है और बेसिक लेवल रीजनिंग भी हो सकती है और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन जिसमें ग्रामर वगैरह भी यूज हो सकता है, वैसे भी क्वेश्चन आपके ये 10 क्वेश्चन में से हो सकते हैं, ठीक है। अब बचा 55 क्वेश्चन, तो 55 क्वेश्चन इसमें जो है क्या होता है, इसमें 55 क्वेश्चन में से ही कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जो कि MSQ होते हैं, मल्टीपल सेलेक्टिंग क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा सही आंसर होंगे एक क्वेश्चन के, ठीक है, ऐसे होंगे, और या तो फिर MCQ क्वेश्चंस होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना। चॉइस आपके पास मल्टीपल है लेकिन एक ही करेक्ट होगा। मल्टीपल सेलेक्टिंग क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि चॉइस आपके पास कई सारी हैं और कई सारे आंसर हो सकते हैं। इसमें जो CSIR नेट का जो एग्ज़ाम होगा इसमें आपका MCQ क्वेश्चन ही होते हैं, MSQ क्वेश्चन नहीं होते हैं, मतलब रिलेटिवली गेट से थोड़ा ईजी एग्ज़ाम ये होता है, ठीक है भाई साहब। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि यार MSQ और MCQ हैं तो उसमें रेशियो क्या होता है, तो भैया रेशियो इसमें ये डिफाइंड नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे पिछली बार का जो पेपर था उसमें 31 क्वेश्चन हम मेरे हिसाब से MSQ आए थे और जो बचे क्वेश्चन 25 में MCQ आए थे, ठीक है ना। तो ऐसे ही वो लोग मतलब इस 55 क्वेश्चन में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो गेट जो ऑर्गेनाइज करा रहा है इंस्टीट्यूट उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे CSIR नेट NTA कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, वैसे जो हमारा गेट है वो किसी IIT द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ठीक है ना। कोई एक IIT निर्धारित हो जाती है और वही IIT आपका गेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और अपने हिसाब से कैसे उसे क्वेश्चन देना है वो अपने हिसाब से डिसाइड करती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। गेट का जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है आप कह सकते हो वो थोड़ा ज़्यादा होती है, लेकिन वहीं CSIR नेट की जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो थोड़ा सा कम होती है रिलेटिवली। इसका जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होगी वो शायद 1500 होगी, इसकी 1000 होगी फॉर जनरल स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। और फिर क्या हो गया इसके बाद और क्या क्या, हाँ तो मैंने ये भी बता दिया कि अगर आप CSIR नेट से जाते हो तो आपको क्या फ़ायदे होंगे और गेट से जाते हो तो क्या फ़ायदे होते हैं। गेट निकालने से ये नहीं डिसाइड होगा कि आप किसी कॉलेज में पढ़ा पाओगे या नहीं, ठीक है ना। जैसे UPSC का जो हायर कॉलेजेस में पढ़ाने का एग्ज़ाम का सभी मतलब सभी स्टेट्स में एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। उस एग्ज़ाम को आप देने के बाद क्या कर सकते हो, आप अलग अलग कॉलेजेस में आपको भेजा जाता है मतलब एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो यही होता है, या तो आप CSIR नेट क्वालिफाई हो, ठीक है, या फिर आपने PhD की हो, ठीक। तो अगर आप नेट क्वालिफाई हो तो आप MSc के बाद वो एग्ज़ाम फिल कर सकते हो और आप असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्ट बन सकते हो, जैसा कि गेट क्वालिफाई करने से नहीं होगा। गेट क्वालिफाई करने का अपना एक अलग फ़ायदा है, क्या है कि आप गेट अगर क्वालिफाई हो, अच्छी रैंक है आप, तो आप बार्क में डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हो। उसका कुछ एज का क्राइटेरिया है, एज का कुछ मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 26 ईयर शायद है कि आप 26 ईयर से कम होने चाहिए। तो आप गेट MSc अगर आपने की है तो आप सीधा गेट अगर आप क्वालिफाई हो, बार्क में आप उसका अप्लीकेशन फॉर्म भरिए तो वो देते हैं कि अगर आप बार्क का रिटन टेस्ट देना चाहते हो या गेट से आप इंटरव्यू में बैठना चाहते हो। अगर आपका गेट क्वालिफाई है
तो आप वहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हो, वो लोग इंटरव्यू आपका लेंगे, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप बार्क में भी जा सकते हो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, ठीक है, एज आ साइंटिफिक असिस्टेंट के शायद उस पर पोस्ट पे, ठीक है ना, तो साइंटिफिक असिस्टेंट है या फिर साइंटिफिक रिसर्चर है, ऐसा करके कुछ, मतलब एक एक अच्छी पोस्ट है वो, ठीक, या फिर मतलब साइंटिफिक ऑफिसर ऐसा है, मतलब मेरे हिसाब से साइंटिफिक ऑफिसर है, तो साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे जा सकते हो गेट क्वालिफाई करके बार्क में, ठीक है, बहुत अच्छी रैंक आती है तो PSU वगैरह जो पब्लिक सेक्टर यूनिट आपकी है, कंपनीज हैं कुछ, उसमें भी आप डायरेक्टली ONGC वगैरह में, तो आपने अगर MSc जियोफिजिक्स वगैरह से की है और गेट क्वालिफाई कर लिया है तो आप डायरेक्ट ONGC वगैरह के इंटरव्यू में बैठ सकते हो, और वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, इंटरव्यू दे के डायरेक्ट सेलेक्ट हो सकते हो, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा जॉब ओरिएंटेड इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये क्वालिफाई करने के बाद आपको अलग अलग जगह जॉब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। वहीं अगर आप CSIR नेट क्वालिफाई करते हो तो जॉब इसमें भी मिलती है, लेकिन सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, बाकी अगर आपको रिसर्च करना है तो दोनों में से आप कोई भी क्वालिफाई कर सकते हो, आप रिसर्च में जा सकते हो। सिलेबस जो सब्जेक्ट वाला है वो दोनों का लगभग सेम है, ठीक है, लेकिन अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग का जो सिलेबस है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए, ठीक है, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करेंगे, मैं वहाँ पे और आपका रिप्लाई दे दूँगा। बस यही थी ये वीडियो की बात जो कि मैं रखने आया था, आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और अच्छे से तैयारी करिए, ये मैं तो कहता हूँ दोनों एग्ज़ाम ही क्वालिफाई कर दीजिए, ठीक है, तो मैं चलता हूँ, धन्यवाद।